अस्सलाम वालेकुम, ये मैं मौजूद हूँ थाना लिटन रोड के अंदर वुमेन सेल में, और आप ये पुलिस की सफाकियत और ये चेक करें कि ये छोटी सी बच्ची की भी गिरफ्तारी डाल के पुलिस ने जो है ना वो इनको हिरासत में लिया हुआ है, और ये बच्ची को भी जो है ना वो बंद कर दिया है जेल के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ अपने आला इदारों से, हुकाम से, कि ये क्या बदतमीज़ी है कि ये एक छोटी बच्ची जो जिसका जो है ना वो फ्यूचर हमने सिक्योर करना है, हमने सेव करना है, हमने सिक्योर करना है, उसको जो है ना वो इस तरह पुलिस स्टेशन में जेल में बंद कर दिया, और ये बच्ची को फ्यूचर के अंदर किस तरह की किस तरह का मैसेज और किस तरह के लेसन दिए जा रहे हैं कि ये बच्ची बड़ी होकर क्या सोचेगी कि उसको अपनी माँ के साथ जिसके ऊपर एक झूठा पर्चा करवा के उनके शौहर की गैर मौजूदगी के अंदर पुलिस स्टेशन में ला के बंद कर दिया। ओबियसली बच्चे अगर बच्ची अपनी माँ के बगैर नहीं रह पा रही है, तो बच्ची को भी जो है ना वो अपनी माँ के बराबर गिरफ्तारी डाल के उस बच्ची को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ना तो ये बंद कर दिया बल्कि प्रॉपर तौर पर जो है ना वो मुकम्मल तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो डाली गई है, और बच्ची को जो है वो इस तरह के निज़ाम के अंदर और ये सारे मामलात के अंदर भी विक्टिमाइज्ड कर दिया गया है। ये पुलिस की ये हरकतें जो है ना वो कभी पता नहीं कब बंद होंगी, कब ख़त्म होंगी। अब ये बच्ची मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इस बच्ची की भी बेल करवाऊं, इस बच्ची को भी जो है ना वो इस बच्ची की बेल करवाऊं, इसका इसके साथ क्या मामला पेश आए कि उसकी माँ को एक झूठे मुकदमे में पकड़ लिया है, और इसके साथ जो है ना वो एक छोटी बच्ची को भी अरेस्ट करके उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। मैं काफ़ी देर से पुलिस, पंजाब पुलिस को जो है ना वो देख रही थी, टारगेट कर रही थी।